अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। ये हम घर में बनाएंगे बहुत इजी तरीके से। और जो जो सामान चाहिए वो यहाँ पे है। चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, और ये हमने फ्रेश क्रीम लिया है। अगर आपके पास घर पे क्रीम है, दूध की मलाई है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमने थोड़ा सा एक पिंच कलर लिया है, फूड कलर लिया है। यहाँ पे हमने तेल लिया है 4 से 5 चम्मच। थोड़ा गरम मसाला है, गरम मसाले में हमने 3 सफेद इलायची लिया है। लौंग है 4 से 5, काली मिर्च है 6 से 7, और यहाँ पे हमने 15 से 16 काजू लिया है। यहाँ पे है कांदा, हमने 5 से 6 कांदा लिया है। टमाटर है 4 से 5, हरी मिर्ची है, और यहाँ पे टोमेटो केचप है 1 चम्मच। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। इसके अंदर हम दही डालेंगे 3 से 4 चम्मच। यह हमारा फूड कलर डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे। लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच तक। और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको अपने हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको जमे, आप वैसा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इसको हम, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1/2 घंटा भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसको 15 मिनट रखिए। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है, इसको अब हम साइड में रखेंगे। बटर हमारा पिघल चुका है, अब इसके अंदर अपना गरम मसाला डालेंगे। और ये अपना टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इसमें हम अपना काजू ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे का फ्लेम फास्ट करेंगे हम, और इसको हल्का भूनेंगे, और इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा फ्राई पैन लिए हैं, चूल्हा ऑन करेंगे, इसको हल्का गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। और इसमें भी हम थोड़ा सा बटर डालेंगे 1/2 चम्मच तक। ये बटर चिकन है तो इसमें बटर का काम थोड़ा ज्यादा है, तो इसके अंदर हम बटर को ऐड करेंगे। चिकन को
है अच्छे से गूंद के हो गया है। मैंने इसको एक गिलास पानी से गूंदा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। बहुत अच्छे से हो गया है। यहाँ पे हमारा मैदा गुला चुका है अच्छे से गूंद के हो गया है। मैंने इसको एक गिलास पानी से गूंदा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम बनाएंगे बटर नान। इसके लिए हमने छोटा सा पीस लिया है। ये बटर नान बनाना बहुत इजी है। हम आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और एकदम ये होटल के जैसा ही बनेगा। कोथमीर के कुछ पत्ते भी इसके अंदर हम डालेंगे। आप बाहर खाए होंगे, आप देखे होंगे कि उसके अंदर ये सब चीजें ऐड की हुई रहती है। हम भी इसको अपने घर पे डालेंगे और बेलन से इसको हल्का हल्का सा हल्का प्रेस करके और बेल लेंगे। ये देखिए, अब इसको हल्के हाथ से हम ऐसा उठाएंगे और सबसे पहले इसको उठा के इसके नीचे हम पट्टी करके इसके नीचे हम पानी लगाएंगे। पानी हम इस पे अच्छे से लगाएंगे। बटर नान बनाने के लिए आप नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल मत करिए क्योंकि उसके ऊपर ये चिपकेगा नहीं और गिरने का डर रहेगा। इसके लिए अगर आपके पास लोखंड का तवा है तो वो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास नॉन स्टिक है लेकिन मैं आपको बताऊंगी बनाना। इस तरीके से चिमटे की सहायता से ऐसा अपने चूल्हे पे इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके तवे पे नान नहीं चिपक रहा है तो आप परेशान ना हो, इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बटर नान तवे पे नहीं आसानी से चिपकता है, ऐसा हम चिमटे की सहायता से पलट पलट के बना लेंगे। लेकिन चूल्हे का फ्लेम हम स्लो करेंगे। रोटी अच्छे से ये बन चुकी है। थोड़ा सा फ्लेम को फास्ट करके और नीचे की तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे।